कॉम्बिनेशन द क्वेश्चन है, ग्रेजुएशन बीएससी नॉन मेडिकल सब्जेक्ट केमिस्ट्री, शाबाश इस तरह लिख के भेजने हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स है, एमएससी केमिस्ट्री है, ठीक है, पीजीटी लिए तुसी एलिजिबल बनोगे, फिजिकल साइंस लिए सर मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन साइंस मैथ बन रहा है, कॉलेज वालों ने मुझे मैथ्स मेजर दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेजर है, और साइंस माइनर दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हो गया दिया है सर, क्या मैं पीजीटी केमिस्ट्री के लिए एलिजिबल हूँ? हाँ नहीं, नो नो नो, आप मैथ्स के लिए भी टीजीटी के लिए एलिजिबल हो, ओके, और साइंस के लिए भी टीजीटी के लिए एलिजिबल हो, आपको यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, घबराना नहीं है, आप बीएड करके अगर आप ऐसे ही चलते हो तो आपके लिए इलाज क्या है, बीएड करने के बाद आप पेडागॉजी ऑफ फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, ओके, फिजिकल साइंस का आपने देना है, फिर आप उसके बाद पीजीटी के लिए, इसके लिए पीजीटी इसका फ़ायदा हो जाएगा, आपको पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, अदरवाइज आपको मैथ्स के साइंस साथ साइंस को छोड़ के फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस जो ये लिखी है वो लेनी पड़ेगी, फिर आप टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं होगे, आपको एक ही चूज़ करना पड़ेगा कि साइंस में आपने टीजीटी की जाना है या फिजिकल साइंस की पीजीटी की तरफ जाना है, इसमें जॉब्स ज़्यादा होती हैं, इसमें कम होती है, लेकिन आपका पैशन आप कर सकते हो तो इसके लिए भी फाइट कर सकते हो, कारण ये है, आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास आपको 2 साल बचे हुए हैं, पहले से आपने ये किया हुआ है। ये क्वेश्चन है कि जलंधर के एमकेसीटी सेंट सोल्जर कॉलेज इनोसेंट हार्ट्स कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दो, फी स्ट्रक्चर कितनी है? वैसे तो मुझे लगभग पता है, ऐसा करता हूँ कल दोबारा इसी पर एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन एक बार अथॉरिटी से इनसे बात करके, दूसरा अगर ये कह नहीं इन्फॉर्मेशन देते तो फिर स्टूडेंट्स जो होते हैं जहाँ हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है वहाँ से लेके जवाब दे दूंगा, कारण यह है कि प्राइवेट जो कॉलेज होते हैं, जैसे एमजीएन कॉलेज है, ये तो फिक्स होगा, जितनी फीस है उतनी ही रहेगी, ठीक है, इनसे भी बात करूंगा, और जो प्राइवेट कॉलेज हैं इनकी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि ये फीस को अप भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं, जैसी आपकी कंडीशन कुछ ऐसी होती है ना, तो ये 3 कॉलेज से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है लेके दे दूंगा, इनोसेंट की तो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी भी है, लेकिन सभी का कंपैरिजन इकट्ठों का कर दूंगा इनसे एक बार बात करके। नेक्स्ट है सर, सिर्फ फर्स्ट काउंसलिंग विच जेडे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर दे, क्वेश्चन है, बड़ा कर लें इसको थोड़ा सा, सर मैं बीए हिस्ट्री इलेक्टिव पंजाबी और फिजिकल एजुकेशन है ना, ये मेरे ख्याल में हिस्ट्री का आपको वो करना पड़ेगा, ये हो गया पंजाबी और फिजिकल एजुकेशन की है, एमए पंजाबी की है, जीएनडीयू तो बीएड पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो करनी है, ठीक है, ये करनी है, माइग्रेशन लेना पाऊगा एडिशनल पेपर ले, मैं नहीं, देखिए एडिशनल आप अगर आप जीएनडीयू से पीयूसी में चले गए हो और बीएड के लिए यहाँ चले गए हो और आप एडिशनल देने के लिए इधर आओगे तो आपको माइग्रेशन चाहिए, माइग्रेशन चाहिए, यस, बेटर ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी अलाउ करती है, वहाँ आप अगर बीएड वहाँ से कर रहे हो तो वहाँ से आप एडिशनल पेपर दे दो, ये चंडीगढ़ से ही एडिशनल पेपर दे दो, ये बेटर रहेगा आपके लिए। आगे क्या पूछा है, मैनू सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दस दो जो गवर्नमेंट जॉब लिए एलिजिबल होवे, तुसी पंजाबी नहीं जे छड़नी, एक माइनर सब्जेक्ट यही लेना है माइनर, ओके, गवर्नमेंट जॉब ली एलिजिबिलिटी तुहाडी जे पंजाब विच जा रहे हो तो तुसी एसएसटी ले लो, ओके, एडिशनल पेपर आ जिहड़ा दित्ता है दस्या है एडिशनल पेपर, यह तुसी हिस्ट्री इत्थे है पोलिटिकल साइंस का दे सकते हो, सोशियोलॉजी सॉरी होर भी कोई दे सकते हो, स्कूल साइंसेस च दो बैटर है, पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ऐसे चो दे दो, तुसी एक गवर्नमेंट जॉब लिए एलिजिबल हो जाओगे जो आ एडिशनल कर लोगे, ये तुसी एलिजिबल हो टीजीटी लिए गवर्नमेंट जॉब लिए पंजाबी लिए, कुछ भी करना नहीं पैना, एमए पंजाबी की हुई है इसलिए तुसी पीजीटी भी पंजाबी लिए एलिजिबल हो, सो ए रिगार्डिंग है। हाँ जो फिजिकल एजुकेशन ए दी जगह लेंदे हो तो
टी जी टी लिए फिजिकल एजुकेशन लिए एलिजिबल हो, दैट इज़ ऑल, कोई एडिशनल पेपर नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उस दिया पोस्टा कट होंदिया हन। ये कह रहे हैं कि बी एस सी नॉन मेडिकल की है तो मैंने एम एस सी नहीं करनी, कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हूँ। बिल्कुल एलिजिबल हो आप, यस एलिजिबल हो। कारण ये है कि आपका नॉन मेडिकल में मैथ्स होगा, है ना, मैथ्स और दूसरे आपने दो साइंसेस पढ़ी हैं, साइंस मैथ दोनों ही आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो। एडिशनल कोई भी नहीं करना पड़ना, आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आप अच्छे हुआ आप कह रहे हो कि मैंने वो नहीं, एमए नहीं करनी। ऐसे क्या है कि आप एनर्जी एक पोस्ट पर लगाओगे, जहाँ इस पर लगाओगे, है ना, तो नेचुरली है गेन ज़्यादा होता है, घबराना नहीं है। देखो आपके साथियों ने भी आपका हौसला बढ़ाया होगा, यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा है। प्लीज़ सर मुझे बताना कि मैं क्या करूं, वही है दोबारा पूछ रहे। हाँ आप क्या करो, आप बस बीएड करो और मैथ्स और जो साइंस है कॉम्बिनेशन लेके, बिल्कुल ठीक है, साइंस मैथ बिल्कुल लर्न टू। एक्चुअली ये किसने है, मैंने दिया है, सॉरी थैंक यू, ये आ गया, ओके हो गया सब कुछ, सॉरी दोबारा हो गया। देखो आपके अच्छे बन रहे हैं, आपने इंग्लिश इलेक्टिव पढ़ी हुई है और हिस्ट्री पॉलिटिकल दोनों सोशल साइंस है, आपका ये ही मेजर बनेगा, माइनर ये बनेगा, और मेजर माइनर में आपका कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आपने 3 साल ये पढ़े हुए हैं, 3 साल ये पढ़े हुए, ये भी इलेक्टिव है, ये भी इलेक्टिव है, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल हो। बेशक कोई भी मेजर हो माइनर हो, अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज ऑनर होता तो ये मेजर बनना था, लेकिन फ़र्क तो है ही नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, है ना। ऐसे SST सिलेक्शन टेस्ट में काफ़ी कंपटीशन होता है, नहीं वो तो सिलेक्शन टेस्ट बाद की बात है, वो तो करना ही पड़ेगा, वो लास्ट की बात है, वो करनी है, ज़रूर है। मैंने ये 3 सब्जेक्ट 3 ईयर पढ़े हैं सर, प्लीज़ गाइड मी। तो आप एलिजिबल हो, आपको मेजर SST ही मिलना है, लेना भी यही पढ़ना है, बेस्ट भी यही है, और इंग्लिश की जगह पंजाबी नहीं ले लेना, इंग्लिश ही लेना है, ये आपकी के लिए ही गाइड है। मैं BTech GNDU की है, पहला 3 सेमेस्टर मैथमेटिक्स किया है, और BA मैथमेटिक्स का एडिशनल पेपर देना चाहता हाँ, अच्छा हाँ, बी ए मैथड का एडिशनल पेपर देना चाहता हाँ, जिदे 3 सेमेस्टर मैथ स्टडी किया है, मैं कोई उसका बेनीफिट मिल सकता है, नहीं तो इलेक्टिव जो मैथ हूँ तुम्हें देना है, ये समझ लो इलेक्टिव जोड़ा है मैथ्स हूँ देना है, वो तुहानूं जे 6 पेपर हैं वो 6 दे 6 पेपर ही देने, उसका अलग तो रिजल्ट अलग तो DMC उही बनेगा, उही एलिजिबिलिटी बनेगी। तुहाडा BTech विच पढ़े हुए मैथ नाल इसका कोई भी संबंध नहीं है। फायदा की हो सकता है, फायदा लर्निंग का हो सकता है लर्निंग का, क्योंकि जो मैथ उत्थे कुछ पढ़िया है वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है ना, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का कंसैप्ट असी समझांगे जो असी टेट की तैयारी करनी है ना, सिलेक्शन टेस्ट की भी तैयारी करनी है, उदो पढ़ांगे। सो ये जिहड़ा है फायदा डायरेक्ट तुहानू नहीं है, तुसी इसे तरह एडिशनल पेपर देना है। सर PSTET 2 पेपर केड़े सेमेस्टर एंड मंथ विच हुंदा है, मैं अलग तो वीडियो पा दिती है, दिसंबर विच ते जून विच हुंदा है, 1 महीना पहला ही सिर्फ इसका नोटिस आंदा है, नॉर्मली पता हुंदा है कि दिसंबर ते जून विच आंदा है, पर कई बार मिस हो भी जाता है, साल बाद फिर आंदा है। नमस्ते सर, BEd मैथ इकनोमिक्स PSET सिलेबस विच 60 क्वेश्चन विच मैथ दे क्वेश्चन होने हैं जब मैथ इकनोमिक्स दोनों नहीं, सिर्फ जिहड़ा मैथ है ना, मैथ वाली स्ट्रीम तुसी लैनी है, ये M ते S होने हैं, मैथ नहीं होने, साइंस भी होने हैं, है साइंस भी होएगी मैथ भी होंगे, इकनोमिक्स नहीं होएगा, इकनोमिक्स सोशल साइंस का पार्ट है, SST का पार्ट है, ये नहीं होंगे, ओके इससे डिटेल वीडियो बाद विच बना देंगे। प्लीज़ कमेंट करके, तुसी कमेंट करके टाइम लग जाना है, मैं इसी तरह दस देता है। सर मैं MA पंजाबी BA इलेक्टिव हिंदी आऊँ, इलेक्टिव हिंदी करके MA पंजाबी की है, पॉलिटिकल साइंस और होम साइंस GNDU की है, प्लीज़ टेल मी अबाउट द कॉम्बीनेशन BED गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी करनी, हाँ चीज़ ये जरूर दस्या करो। इलेक्टिव हिंदी है तो फिर पंजाबी वाल ना जाओ, TGT लिए ये एलिजिबल हो जाओगे, और पॉलिटिकल साइंस है फस गए तुसी, सोशल साइंस नहीं है, तुहानू रजे लैनी पैनी है, दो बनते ने तुहाडा पॉलिटिकल साइंस ते हिंदी, पॉलिटिकल साइंस मेजर और हिंदी माइनर, जां बनेगा होम साइंस ते हिंदी। हुण तुसी MA पंजाबी की हुई है, MA पंजाबी का तुहानू कितने कोई फायदा नहीं आ रहा,
जे तुसी ले रहे हो पंजाबी माइनर सब्जेक्ट फिर तुहानू इलैक्टिव पंजाबी दा ये देना पैना है। सो मैं एवें पंजाबी वल जाण लई नहीं कह रहा, हिंदी ना छोड़ो, हिंदी जरूर माइनर लो। हुण ये तुसी चूज़ करना है क्योंकि जी एन डी यू है, पोलीटिकल साइंस मेजर लैके लैना है जां होम साइंस मेजर एक लैके लैना है, यही तुहाडे बणदे ने, इहनां चों ही लैना पैना है, है ना। बाद विच अडिशनल दे देना तुसी। सर मैं बी ए विच 3 साल मैथ पढ़िया है, मैं बी एड विच कॉम्बीनेशन मैथ लैंग्वेज लेना है, टी टी क्लीयर करन लई मैनू साइंस दा बुक फिर स्टडी करनियां पैनगियां। तुसी की है, एक मिनट राजे, तुसी कॉम्बीनेशन मैथ ते है ना लैंग्वेज दा आ, हाँ तुहानू मैथ दा ही भरना पैना है, साइंस दियां पढ़नियां पैनियां है, बिल्कुल ठीक है। टी ई टी क्लीयर करन लई मैनू साइंस दियां स्टडी करनियां पैनगियां, फिर मैथ विच्चों ही सिर्फ 45 क्वेश्चन नहीं, डिवीज़न होएगी उसकी, मैथ साइंस उन्होंने कॉम्बीनेशन कहते हैं। सो उसका अलग वीडियो बना दाँगा कि किन्ने क्वेश्चन किहदे हुंदे हन, पर करने पैने हैं, सॉरी वो तुहानू करने पैने हैं। गुड ईवनिंग सर, प्लीज़ मैनू गाइड करो, बी एस सी मैडिकल तो बाद फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस नहीं रख सकते। बी एस सी मैडिकल तो बाद, बी एस सी मैडिकल तो बाद फिजिकल साइंस लाइफ साइंस नहीं रख सकते। कॉलेज वाले ने मैनू इंग्लिश माइनर सब्जेक्ट दिता है। बी एस सी तुहाडी कीड़ी है, मैडिकल है, नहीं तुसी लै सकते हो, तुसी मैडिकल है, तुसी साइंस ते लाइफ साइंस की लेना है, हाँ फिजिकल साइंस भी मिल सकता है तुहानू और लाइफ साइंस भी मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता, मिल सकता है। ते वो कहंदे ने फिजिकल साइंस लाइफ साइंस लई एम एस सी करनी पैंदी है, करनी पैंदी है, वो ठीक कह रहे ने, पर जे तुसी एम एस सी करनी है, मान लो सोचा होया है कि एम एस सी मैं कैमिस्ट्री करनी है ना, फिजिक्स करनी है ना, फिर तुसी इत्थे फिजिकल साइंस बी एड लै सकते हो, तो पी जी टी लई फिर एलीजिबल होवोगे। जे तुसी नहीं करनी, तुसी तुहानू साइंस मिल गई है, नाल लैंग्वेज मिली है, लैंग्वेज दे नाल तुहानू केड़ी लैंग्वेज लई है, तुसी जे मान लो इंग्लिश लई है ना, साइंस दे नाल जे तुसी लैंग्वेज लई है इंग्लिश, फिर तुहानू इंग्लिश दा भी इलैक्टिव देना ही पैना है, तुहानू एक चीज़ करनी ही पैनी है। पर इहदे नाल की है कि तुसी पोस्टां लई टी जी टी लई एलीजिबल हो जाओगे, पर इहदे नाल इह भी है इंग्लिश दी सिलैक्शन टैसट दी तैयारी करनी पैनी है, इधर फिजिकल साइंस दी तैयारी करनी पैनी है। तुसी देखना है कि मैं कंफर्टेबल, नॉलेजेबल, इंट्रस्टिंग किहदे विच हाँ, इंट्रस्ट किहदे विच ज़्यादा रखदा हाँ। यस, लैंग्वेज दा देना है, लैंग्वेज दी कोई स्ट्रीम नहीं है, सिर्फ उर्दू संस्कृत एक दो अजिहे ने ना, 8 उपर मैं दसे सी जिहड़े, उन्हां दी जो 8 स्ट्रीम ने यह मैं दस देवां। तुसी टैट किहड़े दी तैयारी कर रहे हो, मास्टर केडर दी है ना, जे पी एस टैट दी कर रहे हो, पी एस टैट दी कर रहे हो, फिर तुहानूं उन्हां 8 चों ही चूज़ करना पैना है। नॉर्मली दूसरा सबजैक्ट जिहड़ा तुहाडा लैंग्वेज तां माइनर होएगा ना, जे मेजर भी है कोई नहीं, दूसरे सबजैक्ट किहड़े तुहाडे हिस्ट्री दे बनदे आ, एस एस टी नाल संबंधित, फिर तुहानूं स्ट्रीम उही चूज़ करनी पैनी है, उहदे विच्चों ही 60 क्वेश्चन आने आ तुहाडे, ओके। सो लैंग्वेज लई कोई वक्खरा नहीं है, सिर्फ उत्ते जो संस्कृत वगैरह दित्ती है, उर्दू दित्ती है, स्पैशलाइज जुड़ियां थोड़ियां नॉट नॉर्मल साडे लई लैंग्वेज ने उन्हां लई है। सर जैसे मेरा कॉम्बीनेशन हिंदी और हिस्ट्री है, तो मैं जैसे हिंदी की टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, तो टी जी टी तो मेरा कॉम्बिनेशन रिलेटेड 8 सब्जेक्ट में कौन सा चूज़ करूँगी, ऊपर वाला क्वेश्चन के साथ ही मिलता है, आप क्या चूज़ करोगे कि जो आपके आप ये हिस्ट्री है ना आपकी, आप एसएसटी चूज़ करोगे, क्योंकि एसएसटी में देखो क्या है, 60 क्वेश्चन ये हो गए, 60 में से 15 क्वेश्चन हो गए आपके पैडागॉजी के, ये पैडागॉजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के, और ये 15 के करीब आपके हो जाएंगे, सॉरी 10 के करीब आपके हिस्ट्री के हो गए। यहाँ क्या हो गया, ये 10 तो है आप हिस्ट्री के कंफर्टेबल हो गए ना, दूसरा पॉलिटिकल साइंस के 10 होंगे, ज्योग्राफी के 10 होंगे, और ये आपके इकोनॉमिक्स के 10 होंगे, ऐसे होगा आपका डिवीज़न जो है। सर क्या फाइन आर्ट सब्जेक्ट वी टी टी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है? यस एलिजिबल है, ये मैंने रिप्लाई भी किया है। सर बी एस सी आई टी वालों को कॉम्बिनेशन मेजर कंप्यूटर बनता है, ये मैंने जवाब दे चुका हूँ, है ना।